पसंद शांति को शोर नहीं करते हैं और फालतू की बकवास करके बोर नहीं करते हैं। और जो ज्ञानी बन के परिचय अज्ञानता का दे, जो ज्ञानी बन के, जो ज्ञानी बन के परिचय अज्ञानता का दे, उसकी बातों पे हम गौर नहीं करते हैं। आपकी तालियों के लिए धन्यवाद। वाकई में गदौरा ग्राम सुन रहा है। कहो चश्मो तेरी कैसी है तबीयत? कहा गए सब पूरा मंच एक गीत दिया कैसे? तो जवाब देखिए क्या आ रहा है। कैसे? मैंने कहा कि मुफ्त की रबड़ी मुफ्त मलाई अच्छी क्यों? अच्छी क्यों? अपना गीत गीत दूसरे का माथा क्यों? हर मुफ्त की रबड़ी मुफ्त मलाई अच्छी क्यों? अच्छी क्यों? छोटू भाई का बहुत अच्छा साउंड है तो बस थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिएगा। अरे अपना पूत और नानी पराई अच्छी क्यों? ध्यान से सुन लेगा भाई, इस गीत को आप देखिएगा तो इसमें कुछ रिश्ते लगे हैं कि सबके लिए क्यों होती प्यारी ससुरारी, क्या बात है? तो जीजा साले में मिठाई अच्छी क्यों? क्या बात है? अरे सास बहुरिया में बुराई अच्छी क्यों? और आदरणीय बड़े भैया, आदरणीय बड़े भैया श्री पप्पू शर्मा जी और महेंद्र अवस्थी जी और ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच की तरफ से ये 201 रुपए का आशीर्वाद आया है। क्या बात है, धन्यवाद है। और आदरणीय दादा की तरफ से तो बहुत ही अच्छा सम्मान मिल रहा है, पर जोरदार तालियां बजा दी, जोरदार। तो आदरणीय हमारे छोटे भाई सचदेवा जी, उसमें कुछ रिश्ते लगे हुए थे तो गीत को पहले समझ लीजिए और क्या फिर जवाब दीजिए। जूता वूता चलाने की जरूरत नहीं है मंच पे, जवाब आपको वहीं से मिल जाता है। कौन सा रिश्ता लाए हैं? अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक गीत आया कैसे? और मैंने कहा दोष कोई नहीं मेरा, अरे दोष मुझ पे लगाया मेरा घटाया क्यों? अरे दोष मुझ पर लगाया क्यों? मैंने कहा कि माता सीता कह रही है और आदरणीय दादा आशीष कनौजिया जी आपकी तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है भैया को, धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ। तो माता सीता भी कह रही है क्या? कि ना उदय भाग्य मेरा हुआ तो फिर कलंक लगाया क्यों? तो मेरा भाग्य वैसे भी उदय नहीं हो रहा था तो आपने कलंक क्यों लगाया? क्या बात है? लेकिन आप देखिए जवाब क्या आ रहा है। कैसे? जवाब में पंक्तियां आई हैं कि एक निर्दोष को दोष क्या? तो कहना पड़ा कि राजा बलि के पावनदार पावन पाए पहरेदार पावनदार। Oh,
शादी भैल तो सरे धान हो तो जान जाए जाती बाबू तो हमको जो बुलवाई हो। अरे बाबा जी से दीन धरा के जल्दी तू चली हो। क्या बात है, तब कह रहे हैं ये देखिए आपके रिचार्ज वाले भैया कह रहे हैं क्या कि अब बात ना हमसे हुई। याद करा जहिया कुआं रहलू ये वास्ते पहले और क्या बिल्कुल अब जवाब सुनिएगा। हाँ सुनो, वो देखिए लिखा कैसे जाता है। जब बाली को राम ने तीर मारा तो उसकी पत्नी तारा उसके पास आई और जब उसके पास आई तो बाली ने तारा से कहा क्या, और देखिए कहा क्या। और जब बात अच्छी लग जाए तो सचदेवा भाई आशीर्वाद चाहूंगी। क्या बात है, सुनो जवाब कैसे होता है। आपने कहा क्या क्या है ये राज विचार कही लो जवाब कैसे। अरे रंग रंग मन पूजे, अरे रंग रंग मन पूजे, हाय रंग रंग छवि राम। बोले अपनी पत्नी तारा से कह रहे हैं अरे रंग रंग मन पूजे, हाय रंग रंग छवि राम, हाय राम राम ही भक्ति की ये जान गया है रामा हो। क्या बात है, ये बात राम भी जानते हैं ये बात बाली कहने लगा तारा से कि राम नाम ही मुक्ति है और ये बात बाली भी जान चुका है। तो कहना पड़ा राम तीर दिल के, राम तीर दिल के उस पार कई लो। राम जी ने तीर को पार कर दिया। क्या बात है, कैसे देखे? राम तीर दिल के उस पार छोटू भैया थोड़ा मारा नहीं मुझको, मारा नहीं था, मारा नहीं मुझको भव से पार कहीं लो। बहुत
आपका धन्यवाद। ऐसे होता है जवा राम तीर दिल के मारा नहीं मुझको पार कही कैसे और फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि मेरी राम बली है तुझ पे माता की आज्ञा
चाशनी है। हाँ हाँ चक्कर ने मुझे परेशान किया। तो देखिए मैंने क्या किया। क्या? तब हमने उजाड़ी बगिया काटे राक्षसों के थे पंख। तो मैंने पूरी बगिया को उजाड़ दिया। क्या बात है? तो कहना पड़ा। क्या? वृक्ष लेकर आ गई और छोटू भैया पहले की तरह नहीं है। बहुत अच्छा आपका स्वागत है, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन पहले की तरह नहीं है। क्या बात है? आवाज खींच रहा है कि तब वृक्ष हम रूहने कि सब वृक्षियों और सब वृक्षियों खाने मैंने क्या बात है? ये सच मैं कहता हूँ, ओ फल फूल न छोड़ा मैंने, निर्भीक रहता हूँ और इश्क चाहत इश्क वाद इश्क चाह इश्क बात इश्क है दीनों ईमान,
ये जुनून भी ये सुकून भी ये जमीन लेकिन गीत क्या कह रहा है द्विवेदी जी सुनिए गीत कह क्या रहा है जब नारद विश्व मोहिनी को जब नारद मोहिनी के स्वयंवर में गए और विश्व मोहिनी के आगे पीछे लगने लगे कि विश्व मोहिनी मुझको वरमाला पहना दे और मुझको ही वर और किधर जिधर जा रहे हैं उधर उधर नारद घूम रहे हैं क्या बात है तो कहना पड़ा क्या तब विश्व मोहिनी नारद से कहने लगे लगता है क्या रहे क्या कहने लगी कैसा होगा वर है चाह वर इबादत वर मेरा वर वो है वर सुखो है वर जमीरा और देखिए विष्णु जी क्या कह रही है तुम्हारे अक्ल में बिल्कुल पत्थर पड़ गए हैं अक्ल पे पत्थर पड़े क्या हुस्न में तुम चूर हो विष्णु मोहिनी कहने लगी सब सबसे लगते मुझे लंगूर अब देखिएगा इस गीत में एक विशेषता चल रही है संदेव भाई समझते रहिए अकल और शक्ल चल रहा है
अब देखिए इस मोहिनी नाराज से क्या कहेंगे। जय जय धोबी का कुकुदाना, घाट का है ना घर का है। तुम नाराज बिल्कुल वैसे ही हो जैसे धोबी का कुत्ता होता। सूरत अपनी देख ले तू, इधर का है ना उधर का है। जाकर अपनी पहले सूरत देखो, ना तुम इधर के हो ना तुम उधर के हो। जानवर सकती नहीं मैं, लगते तुम हो जानवर। मैं जान बूझ कर ऐसा वर नहीं कर सकती हूँ जो बिल्कुल जानवर जैसा लग रहा हो। जानवर सकती नहीं मैं, लगते तुम हो जानवर। और जानवर को मैं वरुणा, मैं वरुण कोई वीरवर। मैं किसी जानवर को वरने नहीं आई हूँ यहाँ पर, मैं कोई वीर पुरुष वरने आई हूँ। कभी मोहिनी कहने लगी अकल गई क्या अकल बिल्कुल घास लगते मुझे लंगूर हो। अकल के दुश्मन मन यहाँ से दूर हो, यहाँ से दूर हटो। अकल के दुश्मन यहाँ से दूर हो। शक्ल से और देखिएगा जितने राजा वहां पर बैठे हुए हैं, अब वो राजा लोग देखिए क्या कह रहे हैं। सभी राजा नाराज से कहने लगे क्या रहे हैं। गुस्से हो आग बबूला, इतना क्यों रिसिया रहे। आप लोग इतना गुस्से में क्यों हो, इतना क्यों रिसिया रहे हो। काम में अपना खुद बिगाड़ा, काहे अब खिसिया रहे। जब तुमने अपना काम खुद ही बिगाड़ लिया है तो अब क्यों खिसिया रहे हो, क्यों खिसिया रहे हो। अपने धपने राग अपना सिर्फ मुनिवर गा रहे। केवल तुम अपनी धपली और अपना ही राग अलाप रहे हो। ले गया दुल्हन कोई अब काहे को पछता रहे। जब कोई दुल्हन लेकर चला गया तुम्हारी तो काहे के लिए पछता रहे हो। तो कहने लगे अकल के मुझे क्या करें। अकल के दुश्मन मन यहाँ से दूर हो। अकल से लगते मुझे लंगूर हो। अब देखिए जब जय और विजय प्रभु में नारद को देखा, जब नारद को देखा तो देखिए वो लोग क्या कहने लगे। और देखिए क्या है क्या रहे हैं। रणी पप्पू भैया सुनिएगा। झूठ का था बोल वाला, नारद पहचाने न तो। अरे नारद, ये सब भगवान विष्णु की माया थी और तुम उसको नहीं पहचान पाए। झूठ का था बोल वाला, नारद पहचाने न तो। पानी में रह कर मगर से बैठ
क्यों ठाने हो, पानी में रहता मगर से बैर क्यों ठाने हो, शीशे में मुख देख लो और शीशे में मुख देख लो, कहे ना हमारा मान लो, जाओ और पहले अपना मुख देखो जाकर शीशे में, शीशे में मुख देख लो कहे ना हमारा मान लो, सच उदय हो सामने सच को तुम पहचान लो, जाओ और सच को पहले देखो, क्या बात है तब कहना पड़ा और फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं क्या, और छोटू भैया निवेदन कर रहे हैं पर थोड़ा सा बढ़ जाए, और अदानी भैया राजकुमार सिंह गढ़ी हरदोई से हैं आपके तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ, और अदानी भैया संजय तिवारी जी मांझ गांव गदोरा आपकी तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना कर रहे हूँ, और छोटू भैया से भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि थोड़ा सा बढ़ा दीजिए आपके सहारे ही हम कलाकार हैं, अब आप ऐसा बढ़ाइए कि बस बढ़ जाए सीटी ना आए, अब देखिए फिल्मी दुनिया वाले वाले क्या, अरे आएगी बहारे याद जाओ कहीं भी तुम्हें के तेरी पसंद याद जब फिल्मी दुनिया वालों ने कहा तो देखिए एक नई बात लेकर आ रही हूँ, कैसे गाने में जी जी
बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां हमारे भैया के लिए। कम से कम आप गधोरा गांव से आए हैं, आपका भी हक बनता है सम्मान करने का। और अखिल भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट भारत तहसील उपाध्यक्ष मलिहाबाद आदरणीय भैया मनोज सिंह अर्कवंशी, आपकी तरफ से क्या रुपये का आशीर्वाद आया है भैया को? हृदय से नमन है, वंदन है। अब देखिए गीत क्या कह रहा है हमारे बड़े भैया श्री पप्पू शर्मा जी, सुनिएगा। है चौवने अंक लक्ष्मी, है चौवने अंक लक्ष्मी विष्णु। जब मैंने 54 अंक लक्ष्मी में और 54 अंक विष्णु जी में अंक पाए तो जोड़ पर हुआ 108। सुनिएगा, है 54 अंक लक्ष्मी और 54 अंक विष्णु, ये कैसा योग है। और जब योग किया तो हुआ 108, और जब 108 हुआ तो वो हुआ पूर्ण ब्रह्म। है 54 अंक सीता, देखिए मैंने और कुछ पाया। है 54 अंक सीता और 54 अंक राम, कैसा संयोग है। मैंने सीता में पाया, क्या बात है। और जब जोड़ा तो हुआ 108 पूर्ण ब्रह्म। तो एक बात देखने को मिली, कैसा संयोग है। अरे होता भी योग है। अब देखिए वियोग कैसे हो रहे कैसे, जब पूर्ण ब्रह्म है 108 तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कैसे बिछड़ गए और माता सीता राम जी से कैसे बिछड़ गए, जब ये 108 का योग पूर्ण ब्रह्म का योग था तो ऐसा क्यों। कैसा संयोग है, होता भी योग है। इसीलिए भगवान ने तो 52 अंगुल का अवतार, इसीलिए भगवान 52 अंगुल का अवतार, 52 अंक ले लीलार, 52 वामन छले। समझते रहिएगा, गीत को गीत कुछ कह रहा है। तो राजा बल के पावन द्वार, तो मुझे देखने को मिला राजा बल के भी पावन द्वार। तो राजा बल के पावन द्वार, पावन पाए पहरेदार, कावन कावन लगे। और एक बात और देखने को मिली, क्या कि पावन रूप धरे करतार, पावन रूप धर कर भगवान आए और पहरा दे रहे हैं। तो पावन रूप धरे करतार, पावन करते पावन पावन चले। मेरी राम कली है तुझ पे, तेरे जान से मरता हूँ, लेकिन ये सच है तेरे